जी वालेकुम कैसे हैं आप सब जी आज हमारा वन डे ट्रिप है गांव के लिए तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जी जनाब ये है हमारा गांव और आपको पता है कि गांव जाना सबको ही बहुत पसंद होता है बचपन में भी जब भी हमें छुट्टियाँ होती थी या कुछ भी ऐसा इवेंट कोई त्यौहार तो हम फटाफट गाँव का रुख करते होते थे कि हम लोगों ने गाँव जाना है और इवन हमें जब छुट्टियाँ होती थी आ, समर वेकेशन तब भी हम लोग फटाफट जो है वो गाँव जाने की ज़िद करते होते थे कि हम लोगों ने गाँव जाना है तो शुरू से ही जो मोहब्बत जो लगाव हम लोगों को गाँव के साथ है वो किसी और जगह से नहीं है तो जनाब ये हम गाँव पहुँच चुके हैं ये है हमारा गांव बड़ा ही सरसब्ज व शादाब माशाल्लाह और सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ आके इंसान फ्रेश सा हो जाता है आप में से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव में रहते भी होंगे और गांव आते जाते भी होंगे तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि यहाँ पे आके इंसान कितना रिलैक्स हो जाता है और दूसरा ये है कि गांव के जो लोग हैं और गांव का जो माहौल है बहुत ख़ालस और बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि इंसान जो हैं वो बहुत ही खुश दिली के साथ यहाँ पे मिलते हैं शहरों की नस्बत और जनाब यहाँ पे सबसे जो मज़े की चीज़ वो ये है कि यहाँ पे ख़ालिश चीज़ें भी खाने को मिलती हैं ख़ालस लोगों के साथ साथ जी जनाब ये है हमारे घर की फर्स्ट लुक जो सामने ही ज़मीनें हैं और ज़मीनों के दरम्या में हमारा घर बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं खाने पीने की भी जैसे साग हो गया और सरसों हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें ये हमारे भाई हैं जो इस टाइम काम में मसरूफ़ हैं तो मैंने कहा चलें आपकी भी थोड़ी सी वीडियो बना तो इनकी वीडियो के साथ साथ मैं बाहर का भी जो व्यू है वो कैप्चर कर रही हूँ कि बाहर जो है वो भी आप लोगों को दिखा सकूँ कि घर के बाहर जो है वो जिस तरह से माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है ऐसा सिर्फ़ हम लोग इमेजन कर सकते हैं लेकिन बिलीव में जब यहाँ इंसान आता है तो बहुत पुरसकून सा हो जाता है और ये जो है कुछ मैं आप लोगों को बाहर का जो व्यू दिखाते दिखाते साथ में ये भी दिखा दूँ कि यहाँ जी जनाब ये साथ साथ जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं और सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आती है कि कितनी मेहनत की जाती है जो हम लोग तो समझ ही नहीं सकते कि किस एक एक चीज़ को बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है और कितनी लगन होनी चाहिए जो तो कि गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा होती है कि वो हर हर चीज़ पे इतनी मेहनत करते हैं जी जनाब अब टाइम है दूध का जो बड़ा ख़ालि दूध है वो यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि शहर वालों को तो बिल्कुल भी ऐसा ख़ालिश दूध नसीब नहीं होता तो तो जनाब इस तरह ये हमारा दिन मुकम्मल हुआ बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा मेरे साथ ये वन डे ट्रिप और जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब गांव से शिफ्ट शहर में हो गए हैं लेकिन अभी भी दिलों में वही मोहब्बत वही प्यार जो है वो गांव के लिए है तो जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इनशाला हम नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इनशाला फिर मिलेंगे अल्लाह हाफज़